आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड के एक ऐसे शहर पटाया की, जिसकी रंगीनियत के आगे सब फीका है। पर क्या आपको पता है यहाँ की लड़कियाँ देह व्यापार के लिए कितने पैसे लेती है? यहाँ की तड़क भड़क आपको पूरी तरह मदहोश कर देगी। पटाया शहर ना कभी थकता है और ना कभी सोता है, और यही वजह है कि यहाँ की नाइट लाइफ देख आप कुछ वक्त के लिए काबू में नहीं रहेंगे। अगर आप क्लब, डिस्कोथेक, बार, पार्टियां और शोर शराबे को पसंद करते तो बेशक आप थाईलैंड को पसंद करेंगे। तो चलिए आपको उन जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ पर जाकर आप अपनी जिंदगी को कभी ना भूलने वाला पल बना सकते हैं। नंबर एक, वॉकिंग स्ट्रीट। दोस्तों, पटाया का ये 8 किलोमीटर लंबा वॉकिंग स्ट्रीट आपको कुछ ही क्षणों में रंग बिरंगी दुनिया की सैर करा देगा। कतारों से लगे टिमटिमाते क्लब आपको अपनी तरफ आकर्षित करे बिना मानेंगे नहीं, और उसके बाहर खड़ी बार गर्ल आपको उससे भी ज्यादा मोहित करेगी। यहाँ का संगीत आपको पैर थिरकने पर मजबूर कर देगा और आप पार्टी के परिंदे बन जाएंगे। माहौल में पूरी तरह से कैसे मजा लूटा जा सकता है ये आपको यहाँ आकर जरूर पता चल जाएगा। नंबर दो, अलकाजर कैबरेट शो। दोस्तों, ये जगह पटाया जाने वाले लोगों के लिए सबसे खास है। यहाँ पर रंग बिरंगे शॉर्ट कपड़े पहनकर लड़कियाँ डांस करती है। अलकाजार विश्व प्रसिद्ध शो है। आपको बता दें कि कैबरे थिएटर में 1300 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अलकाजार शो शाम 5 बजे से 6:30 बजे और रात 8 बजे से 9:30 तक होता है। इस शो को देखने के लिए आपको 500 से 600 थाई चुकाना पड़ सकता है। नंबर तीन, जॉन्टियन बीच। अगर आपको घूमने वाली गली का पार्टी सीन पसंद है तो जॉन्टियन बीच आपके लिए नहीं है। ये खुले बार और रेस्टोरेंट के एक छोटे समूह के साथ ये समुद्र तट उन परिवारों और दोस्तों के लिए सही है जो ठंडा वातावरण पसंद करते, जो समुद्र की ताजा हवा का आनंद लेते हुए बस बैठना, चैट करना, खाना और पीना चाहते हैं। नंबर चार, आइस बार में कॉकटेल। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप बर्फ की दुनिया में आ पहुँचे हैं। यहाँ का पूरा इंटीरियर सफेद है, कुर्सियों से लेकर ग्लास तक सब बर्फ से बना है। धीमा और मधुर संगीत आपके मन को खुशनुमा कर देगा। आपको स्वेटर और जैकेट पहनने की जरूरत पड़ेगी जो बार द्वारा ही आपको यहाँ दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। यहाँ के कॉकटेल्स आपको गर्म रखने में सहायता करेंगे। नंबर पाँच, स्काई पटाया रॉकेट बॉल। अगर आप कुछ रोमांचक करना चाहते हैं तो पटाया नाइट लाइफ आपके लिए ही है, पर आपको स्काई पटाया रॉकेट बॉल में अपने साथी के साथ आना होगा। आपको यहाँ भरपूर आनंद मिलेगा क्योंकि आपको एक स्टील के पिंजरे में बिठाया जाएगा जो बॉल के आकार का है। फिर आपको 110 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उलट पुलट कर झटके दिए जाएंगे और घुमाया जाएगा। अगर आप कच्चे दिल के हैं तो जरा संभल कर, पर आपको मजा जरूर आने वाला है। नंबर 6, लेबुआ स्काई बार। ये बैंकॉक का सबसे प्रसिद्ध रूफ टॉप बार है और दुनिया का सबसे ऊंचा ओपन एयर बार भी है। 64वें फ्लोर पर स्थित ये बार एक अलग ही खूबसूरती की परिभाषा देता है। शायद इसीलिए यहाँ हैंगओवर फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। लोग यहाँ आते हैं ताकि वे बैंकॉक का मनमोहक दृश्य देख सके। कुछ वक्त निकाल कर आप यहाँ आकर चैन की सांस ले सकते हैं। आपको यकीनन अच्छा लगेगा। नंबर 7, अलंकरण शो। अगर आप इतिहास जानने के इच्छुक है तो ये शो आपको तृप्त कर देगा। थाईलैंड के इतिहास और संस्कृति को थिएटर के रूप में, गीत संगीत के रूप में और सर्कस के द्वारा अलंकरण शो में दर्शाया जाता है। 2 घंटे का ये शो आपको मनोरंजन से भर देगा। इस शो में चमचमाती पोशाक में कलाकारों का डांस करते हुए कहानी कहने का बहुत ही उम्दा प्रदर्शन होता है। शाम को बेहतरीन बनाने का ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। नंबर 8, गोगो बार्स। पटाया के स्ट्रीट क्लब में थाई संस्करण का गोगो बार्स है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे अच्छा मनोरंजन का केंद्र है। यहाँ पर पर्यटक पोल डांस का मजा ले सकते हैं। इन बार में आप रात 1 बजे से लेकर रात 2 बजे जा सकते हैं और पोल डांस का मजा ले सकते हैं। नंबर 9, रॉयल सिटी एवेन्यू। ये वो जगह है जो आपको गीत संगीत से ओत प्रोत कर देगी, क्योंकि यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय डीजे, लोकल आर्टिस्ट और लाइव संगीतकारों के साथ अपनी रात को साझा करने का मौका मिलेगा। यहाँ आप डांस किए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि रंग बिरंगी डिस्को लाइट और बेहतरीन संगीत में कोई खुद को नाचने से रोक पाया है भला? यहाँ का माहौल तो ऐसा है कि आप पूरी रात नाचते हुए बिता सकते हैं।